जय माता दी। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको बता रहा हूँ श्राद्ध पक्ष के बारे में। पितृ पक्ष किस दिन से स्टार्ट हो रहे हैं और किस दिन तक रहेंगे। पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए, जिन्हें करने से हमारे जीवन के अंदर कोई भी समस्या चल रही है तो उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वो समस्या ठीक हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ श्राद्ध का मतलब क्या होता है। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा भावना से अगर हम अपने पूर्वजों के लिए कोई भी दान उपाय या उनके लिए जो भी करते हैं श्राद्धों के अंदर, तो उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। लेकिन बात रहती है श्रद्धा भावना से। श्रद्धा भावना से अगर आप कोई भी कार्य करोगे उनके लिए तो आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। साल 2021 के 20 सितंबर 2021 पूर्णमासी के दिन से श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो रहे हैं। प्रतिपदा का पहला श्राद्ध 21 सितंबर 2021 के दिन से स्टार्ट है। 6 अक्टूबर अमावस्या के दिन पितर अमावस्या रहेगी, मतलब श्राद्ध समाप्त हो जाएंगे। अब हमें श्राद्ध पक्ष के अंदर उनका आशीर्वाद लेने के लिए पूर्वजों का हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, जिन्हें करने से उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। सबसे पहला उपाय, जब आपकी सुबह का भोजन करती हो तो उनमें से पहली रोटी निकालकर उसके 3 पीस करने के बाद उस रोटी के ऊपर आपने जो भी आपकी थाली में सब्जी है उसको रखने के बाद पानी का 3 बार छींटा करने के बाद उस रोटी के ऊपर जो आपने 3 पीस किए हैं, पूर्वजों का नाम लेकर या उनका पितरों के बारे में सोचकर आपने किसी गाय या दरवेश को अगर डालते हो तो आपके जीवन में समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ, जो उपाय सिर्फ आपने श्राद्धों के अंदर ही करना है, पितर श्राद्ध के अंदर करना है, इसके अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने रात्रि के समय थोड़ी सी चने की दाल भिगोकर रखनी है और सुबह आटे के पेड़े के अंदर चने की दाल डालकर परिवार का हाथ लगवाकर अपने पूर्वजों का सोचकर पितरों का सोचकर अगर किसी गाय को आप डालते हो तो आपके जीवन में जो भी छोटी छोटी समस्या चल रही होंगी वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा उपाय, गौशाला में जाकर या आवारा गाय या पशु के लिए आपने हरा चारा उसके अंदर गुड़ डालकर, हरा चारा और गुड़ मिलाकर अगर आप डालते हो तो आपके जीवन में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।